शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुझे बुरा लग रहा होगा ना अपनी बर्बादी पर? यहाँ रख दो। क्षमा कीजिएगा राजा साहब, हल्दी गलती से गिर गई और उसकी छींटे आपके चेहरे पर भी लगे हैं। मैं इसे अभी हटा देती हूँ। कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर नहीं किया और गलती किससे नहीं होती। मैंने हम साफ करके आते हैं इसे। बहुत चालाक समझती है ना खुद को। तू जानती है ना मैं तेरा क्या हाल कर सकती हूँ। मैंने ऐसा क्या गलत किया जो तू इतना क्रोधित हो रही है सर्पिका? जो भी हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि अधिराज पर केवल मेरा अधिकार है। ये हल्दी दोबारा होगी, मैं भी देखती हूँ इस बार तू कैसे हल्दी गिराती है। हल्दी की विधि तो पूरी हो चुकी है सर्पिका, और पहली हल्दी अधिराज को मैंने लगाई है, और फिर दोबारा कोई भी हल्दी लगाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर्पिका। हमें पता लगाना होगा कि आखिर इस सुनैना के दिमाग में चल क्या रहा है। रानी माँ, मैंने वैची को बुला दिया है, वो बस आते ही होंगे। हमें किसी वैद्य की आवश्यकता नहीं है सुनैना। जब तक हमारी चिंता दूर नहीं हो जाती कोई भी वैद्य हमें स्वस्थ नहीं कर सकता। हमें तुम दोनों की चिंता हो रही है, अधिराज को किसी और का होते हुए थे। हमारा हृदय छल नहीं हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें सुनैना। रानी माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिराज का विवाह सर्पिका से नहीं होगा। सच? पर तुम इस विवाह को कैसे रोकोगी? अम्बे माँ है ना, उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया है जिससे मैं अधिराज की आदाश वापस ला सकती हूँ। सच सुनैना, तुम्हें कोई रास्ता पता है? हमें बताओ ना ताकि हमें संतुष्टि हो सके, बताओ ना सुनैना। क्षमा कीजिएगा, मैं अभी आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। फिर हम कैसे मान ले कि ये विवाह नहीं होगा, बोलो। भरोसा कीजिए रानी माँ, ऐसा समझ लीजिए कि मैं अधिराज की आदाश वापस लाने के लिए बाहर जा रही हूँ। हमने महारानी पर वशीकरण किया है, इसलिए अब वो सुनैना से वही पूछेगी जो हम जानना चाहते हैं। पूछो उससे। बेटा, अगर तुम हमें पूरी बात नहीं बताओगी तो हमारी चिंता बढ़ती जाएगी। सुनैना, अगर तुम हमें पूरी बात नहीं बताओगी तो हमारी चिंता बढ़ती ही जाएगी, बिल्कुल कम नहीं होगी, बताओ ना सुनैना। रानी माँ, अगर मैंने आपको बता दिया तो मैं अधिराज की आदाश वापस कभी नहीं ला पाऊंगी। अब अगर और अधिक सुनैना से पूछा जाएगा तो उसे संदेह हो सकता है। शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी,
तब तक आप सब कुछ संभाल लेना रानी। हाँ। जब तुम पहले के उत्तर की खोज में निकलोगी तब तुम्हें उस पहले की जानकारी मिलेगी, और कल शाम होने से पहले तुम्हें वो पहेली भी सुलझानी होगी। सुनैना ने पूरी बात तो नहीं बताई, पर इतना पता चल गया है कि उसे अधिराज की याददाश्त वापस लाने का रास्ता मिल गया है और वो वहीं जा रही है। बस अब कुछ भी हो जाए हमें उसे महल से बाहर निकलने से रोकना होगा, और इसकी सूचना सर्पिका को देनी होगी। मैं इसे अभी हटा देती हूँ। हल्दी की विधि तो पूरी हो चुकी है सर्पिका, और पहली हल्दी अधिराज को मैंने लगाई। उस सुनैना की इतनी हिम्मत, उसने हमारी हल्दी की विधि खराब कर दी। अब केवल हल्दी तक बात सीमित नहीं रह गई है, सुनैना कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। सुनैना सुनैना सुनैना, मैं थक चुकी हूँ सुनैना से। मेरा दुर्भाग्य बन के बैठी हुई है सुनैना। बुरी शक्ति मैं हूँ, सब भयभीत होते हैं मुझसे, हर प्रभाव इसका बुरा है मेरी जीवन पर। हमने तो पहले ही कहा था मार डालो सुनैना को, और अब भी कह रहे हैं अगर उसे नहीं रोका तो जीवन भर तड़पती रहोगी तुम। उसे अधिराज की याददाश्त वापस लाने का रास्ता मिल गया है। कैसा रास्ता? वो हमें नहीं पता, लेकिन वो आज इसी काम से बाहर जाने वाली है। मैं उस सुनैना को सफल नहीं होने दे सकती, कभी नहीं। उसको सहन करने का धैर्य नहीं है मुझ में। अब मैं उसके साथ बहुत ही बुरा करने वाली हूं, बहुत बुरा। समय बहुत कम है, मुझे जल्दी से उन पहेलियों को ढूंढकर उनके उत्तर बताने। मैं तुझे अभी मारना तो नहीं जाती थी सुनैना, क्योंकि मैं तुझे और भी तड़पते हुए देखना चाहती हूँ, पर अब ऐसा लगता है कि तुझे अभी के अभी मारना पड़े तो भी कोई परवाह नहीं। भेड़िया यहाँ अचानक से कैसे आ गया? बहुत जल्द मरने वाली है सुनैना।